हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 10 NSO के लिए मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ चल रही है, आपको पता ही होगा, पूरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं 9 चैप्टर्स पूरे डाल चुका हूँ और इसी सीरीज़ में हम पहले पूरे थ्योरी का नोट्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद मैं जो आपको वर्कबुक मिलती है वो भी कराऊंगा और प्लस उसके बाद लास्ट में जो पिछले 5 साल के जो प्रिपेयर्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बताते जाऊँ आपको बस वो देखते जाना है। ठीक है, एक पेन पेपर लेके रखिएगा और अपनी जो ओरिजिनल साइंस की जो बुक है उसको साथ में रखिएगा कि उसको रेफ़र कर सकेंगे, क्योंकि ये एक टाइप से नोट्स है जो क्विक रिवीजन में और क्विक आपके ग्रैप्स करने में चीज़ें हेल्पफुल रहेगी। आप पढ़ाई करने से पहले एक बार इसको देख लीजिए और फिर जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए NSO के लिए, जस्ट आपको लगे कि हाँ रिवीजन ही करना है, तो आप फिर से इसको स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप पेपर में तुरंत के तुरंत टिक कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज। चैप्टर क्या बोल रहा है कि मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मोशन कहलाता है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, मोशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर अवेलेबल टू अस फ्रॉम ट्रैवल टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि मोशन जो होता है वो इम्पोर्टेंट प्ले होता है। ठीक है, और डिफरेंट मोड्स होते हैं अवेलेबल, जैसे कि आपका एयर हो गया, बाय एयर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बाय ग्राउंड ट्रैवल कर रहे हैं, बाय सी ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, बाय या फिर वाटर कर लीजिए इसको, सी या फिर वाटर। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज अ लैंडमार्क इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि जो व्हील का था इन्वेंशन वो बहुत एक तरीके से रेवोल्यूशनरी था कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। द सेपरेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स इज टर्म्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन देम। द नॉलेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल। देखिए, आप दो डिस्टेंस, एक दो टाइप के मेजरमेंट होते हैं, पहला होता है डिस्टेंस, ठीक है, और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अभी आपको ये वाली चीज़ तो पता होगी, ये वाली डिस्टेंस, बट अभी आपको डिस्प्लेसमेंट वाली चीज़ नहीं पता होगी। क्यों? क्योंकि ये 9th-10th में आप जब जैसे फिज़िक्स पढ़ेंगे ना तब आपको बताया जाएगा, पर तब भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। क्या होता है डिस्टेंस, समझ लीजिए ऐसा होता है कि अगर पॉइंट ए है, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। ओके, और तो डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, कितना हो गया डिस्टेंस? हो गया 10 मीटर। अगर ये 10 मीटर कब होगा? अगर कोई पर्सन है, ठीक है, सपोज़ वो डिस्टेंस ए से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है, ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने 10 मीटर कवर किया। बट अगर वो पर्सन, सेम पर्सन, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाता है और फिर वापस रिटर्न पॉइंट ए आता है, ठीक है, क्या आता है? वापस रिटर्न पॉइंट ए पे आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ज़ीरो हो गया। अगर कोई भी बॉडी सेम पॉइंट से स्टार्ट की है और सेम पॉइंट पे ख़त्म हो रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ज़ीरो। सपोज़ अगर कोई सर्कल है, ठीक है, सपोज़ कोई सर्कल है, ठीक है, इसमें ये वाला पॉइंट है ए, ठीक, इसका सर्कमफेरेंस है सपोज़ 15 मीटर है। सर्कमफेरेंस कितना है? 15 मीटर। सर्कमफेरेंस मतलब समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो डिस्टेंस, अगर कोई पूरा एक सर्कल का सर्कमफेरेंस का राउंड मार रहा है, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 15 मीटर। बट वही सेम डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट रहेगा 0 मीटर, क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वो वहीं पे पहुँच गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको 9th-10th में और क्लियर हो जाएगी, मैं तो जस्ट एक आइडिया दे रहा था। ठीक है, और फिर उसके बाद, इन अर्लियर टाइम्स ह्यूमन बींग्स यूज देयर बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड स्पैन, फुट आर्म लेंथ, फुट स्टेप्स एसेट्रा टू मेजर द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टेंसेस।
पुराने ज़मानों में इंसान जो थे वो हैंड स्पैन यूज़ करते थे, फूट आर्म हो गया, फूट स्टेप्स भी यूज़ करते थे, बट इस सब के डिसएडवांटेजेस थे। डिसएडवांटेजेस क्या थे कि हर एक के फूट स्टेप्स बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा क्या कि किसी का भी स्टैंडर्ड नहीं था, समझ रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फूड स्टेप कहीं और दूर से ले रहा हो, कोई किसी के फूड स्टेप्स किसी लेने के तरीका कुछ और हो, है ना, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है बेसिकली, ठीक। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ मैनी मेजरिंग यूनिट्स आर प्रेजेंट इन द फिजिकल क्वान्टिटी। मेजरमेंट क्या होता है ये देख लीजिएगा, ये मैंने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा, ओके, सीधा MCQ आ सकता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसी को हम SI यूनिट्स भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब क्या आता है, द SI यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड एंड केल्विन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली बोल दिया है, अब सब समझ जाइएगा। लेंथ का क्या होगा मीटर, मास का क्या है किलोग्राम, और फिर टाइम का क्या है सेकेंड, और टेम्परेचर का क्या हो जाएगा केल्विन। सेल्सियस नहीं होता है SI यूनिट, क्या होता है केल्विन होता है। वेरी स्मॉल लेंथ्स और थिकनेस आर मेजर्ड यूजिंग वर्नियर और डिजिटल कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। क्या होता है वर्नियर कैलिपर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ से ऐसा, ये ऐसा, ठीक, और एक हैंडल टाइप का रहता है, ओके, इधर पे रीडिंग्स लिखी रहती है, इसके रीडिंग्स लिखी रहती है, रीडिंग्स ऐसे स्केल में नहीं लिखी रहती है, सेम वैसे ही, और यहाँ से एक बोल्ट लगा रहता है जो गोल गोल घूमता है। इधर पे समझ लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट रखिएगा इधर बीच में, इधर पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं बीच में जो बहुत पतला होता है बेसिकली, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा, और फिर ये स्क्रू को हम लोग गोल घुमाते हैं जब तक वो टाइट ना हो जाए, और जैसे ही वो टाइट होने लग जाता है तो हम रीडिंग्स इधर से देख लेते हैं, ठीक, वर्नियर कैलिपर ऐसा होता है। अब कहाँ थे, मोशन ऑकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स रिलेटिव पोजिशन इन स्पेस। मोशन ऑकर्स कब होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव पोजिशन चेंज करता है अपने स्पेस में, मतलब सराउंडिंग्स अगर उसकी चेंज हो रही है, सेम वही बात हो गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना, ये एक तरीके से मोशन हो रहा है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है, लीनियर, रोटेशनल, सर्कुलर, पीरियडिक, ऑस्किलेटरी एंड रैंडम मोशन। अब मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है कि आप जहाँ पर रोटेट कर रहे हैं, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपका अगर कहीं पर ये अर्थ है, क्या है अर्थ है, ठीक, अर्थ की एक एक्सिस होगी, ठीक है, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है इसकी, क्या है ज्योग्राफिकल एक्सिस, जो नॉर्थ साउथ बोलते हैं ना वो है, ठीक। तो अर्थ जो होती है वो अपने इस एक्सिस पे ही रोटेट होती है, अर्थ जो होती है वो अपने ही इसी एक्सिस पे रोटेट होती रहती है ना, गोल घूमती है ना, तभी दिन रात होती है, तो इसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। जैसे आप देखेंगे बॉल जब स्विंग होती है, जब बॉल पूरी स्विंग होती है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन मतलब सीधा मोशन, स्ट्रेट। तो इसका कभी कभी क्या होता है, लीनियर मोशन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन का मतलब क्या, पॉइंट ए पॉइंट बी और ये स्ट्रेट मोशन, ठीक है, ये हो गया आपका रेक्टिलीनियर मोशन। अब कर्वीलीनियर मोशन क्या होता है, कर्वीलीनियर मोशन समझ लीजिए, अगर ये कोई ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ये जो है ग्राउंड है, ठीक है, इधर से मैंने बॉल लिया और बॉल को हवा आसमान में फेंका, अब क्या होगा, ये बॉल सीधी ना जाके थोड़ा सा टिल्ट होके यहाँ गिरेगी, है ना, ये हो गया कर्वीलीनियर मोशन। ये कर्वीलीनियर मोशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन दे रही है, इस वजह से ग्रेविटी फोर्स लगेगा, ठीक। ये हो गए लीनियर मोशन के टाइप्स। सर्कुलर मोशन क्या होगा, सर्कुलर मोशन जो आप जॉइंट व्हील देखते हैं ना, जॉइंट व्हील, तो वो एक सर्कुलर मोशन हो गया, वो गोल गोल घूमना, ठीक। पीरियडिक मोशन क्या हो गया, पीरियडिक मोशन जो मोशन एक डेफिनेट पीरियड के बाद फिर से ऑकर हो, उसको हम कहेंगे पीरियडिक मोशन, ओके। ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन मतलब होता है जैसे अगर ये पेंडुलम है आपका, पेंडुलम
एक जगह से दूसरी जगह ऑस्किलेट होता रहता है ना। ओके, कभी इधर जाएगा पहले, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो ये ऑस्किलेटरी मोशन हो गया, जो ऑस्किलेशन होता रहा। रैंडम मोशन जैसे कुछ भी हो सकता है, जिगजैग पैटर्न हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऑस्किलेट वो सारे रैंडम मोशंस में आएंगे जो जो इनमें कवर नहीं हुए। अब क्या आता है, जो अभी मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूज इन अर्लियर टाइम्स, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, क्यूबिट, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है डायरेक्ट, ओके, इसलिए एक बार इसको देख लीजिए। क्यूबिट क्या होता है, लेंथ बिटवीन द एल्बो एंड द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, कौन से टिप का, मिडल फिंगर का, ठीक है, ये की एल्बो से लेके जो मिडल फिंगर तक डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे क्यूबिट। यार्ड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज टू द थंब ऑफ स्ट्रेच्ड आर्म, आपकी नोज से लेके आपका जब आर्म स्ट्रेच्ड है, ठीक है, तो उसके थंब तक उसका जो अंगूठा रहेगा उधर तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे यार्ड। हैंड स्पैन क्या होगा, लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द लिटिल फिंगर, जैसे आप हाथ फैलाएंगे ना पूरा, तो आपका जो थंब का रहेगा टिप और जो मिडिल लास्ट फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसमें जितना डिस्टेंस रहेगा उसको बोलेंगे हैंड स्पैन। अब उनसिया क्या होता है, उनसिया आपका जो अंगूठा रहता है ना, अंगूठे की जो विड्थ होगी, अगर जैसे आपका अंगूठा या नाखून यहाँ पर इस साइड है, ठीक, तो इतनी पूरी जो विड्थ होती है इतनी, ठीक, उसको बोलेंगे उनसिया। आर्म लेंथ, आपके आर्म की पूरी लेंथ कहाँ से कहाँ तक, शोल्डर से लेके मिडिल फिंगर के टिप तक। फुट स्टेप, फुट स्टेप कहाँ से होगा, आपका जो ग्रेट टो, सबसे बड़ी जो उंगली रहती है आपकी, अंगूठा रहता है पैर पे, उधर से लेके जो आपकी हील है, फुट के आपका जो लास्ट पॉइंट है हील का, उधर तक कहेंगे फुट स्टेप। अब प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स मैंने बताया, एसआई यूनिट्स वो यूनिट्स है जो वाइल्ड वाइड एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं और ये स्टैंडर्ड है। हम स्टैंडर्ड क्यों फॉलो करते हैं, जिससे कि अगर मैं अब सपोज इंडिया में हूँ, इंडिया में अगर मैं जम्मू चला जाऊँ वहाँ पर भी मेरे को सेम स्टैंडर्ड मिल सके, और मैं अगर कन्याकुमारी चला जाऊँ तो वहाँ पर भी मुझे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर मिले, ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड हो जाता है, ठीक। प्रीफिक्सेस का मतलब क्या होता है, ये तो पता ही होगा आपको, जो पहले लग जाए वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं, ठीक। तो देसी का डी लिखते हैं, सेंटी का सी लिखते हैं, मिली का एम स्मॉल एम, किलो का स्मॉल के, मेगा का कैपिटल एम, ठीक है। इसका कहाँ यूज़ होगा, जैसे सेंटीमीटर लिखना है मुझे, तो सेंटीमीटर में स्मॉल सी स्मॉल एम, सेंटीमीटर, ठीक। सेम वैसे बाकी सब में होगा, जैसे किलोग्राम लिखना है तो स्मॉल के स्मॉल जी, किलोग्राम, ठीक। की फैक्ट्स क्या है, इन आवर कंट्री द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर मेंटेन बाय द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, अपनी इंडिया में जो लेबोरेटरी है जो स्टैंडर्ड मेंटेन कहती है करती है, उसका नाम क्या है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और लोकेटेड कहाँ पर है, ये न्यू दिल्ली पे लोकेशन है इसकी, कहाँ पर लोकेशन है, न्यू दिल्ली पे, और मैंने क्या बताया था, NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। बोट शेप्स एंड एरोप्लेन्स आर मेड इन स्ट्रीम लाइन शेप, द शेप ऑफ फिश, ये आपको बताया था मैंने, इसका जो पहले आपका स्केलेटन वाला चैप्टर था उसमें भी ये पढ़ाया गया था कि जो भी बॉडीज जिनका डायनेमिक मोशन है, जैसे फ्लूइड में जिनको ट्रैवल करना होता है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, जिससे कि उन पे स्टार्टिंग पे जो उनका जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है उधर पे कम से कम प्रेशर क्रिएट हो और बॉडी फास्टली मूव कर सके। क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड सच एज टाइम वेट और मास लेंथ टेम्परेचर आर फिजिकल क्वांटिटीज, जो क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, कौन कौन सी, टाइम हो गया, वेट, मास और लेंथ टेम्परेचर, ये सारी क्वांटिटीज हम मेजर कर सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, क्या बोलते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटीज, ओके। तो इतना ही चैप्टर है आपका, ओके। अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको आंसर करिएगा। मैं पहले जैसे बता दूं कि मैं आपको आंसर इसलिए प्रोवाइड नहीं करता हूं, जिससे कि आप थोड़ा खुद से अपनी तरफ से एफर्ट्स मारे, ठीक, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए प्लीज़ इसको आंसर करिएगा। जैसे मैं पुरानी वीडियो का अगर मैं आपको बताऊं, तो त्यागी जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, और उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने सारे क्वेश्चन का आंसर किया है, ऐसा नहीं कि एक दो स्किप कर दिए हो, ठीक है। इसलिए आप लोग भी ट्राई करिए, जिससे मैं आप लोग का नाम भी ले सकूँ फॉर फर्दर वीडियोज़, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द एसआई यूनिट ऑफ मास, मास का बोला गया है करेक्ट यूनिट, मैंने आपको किलो का बताया था, ग्राम का बताया है, बहुत इजी है, ठीक। हाउ मेनी किलोग्राम्स मेक 1 मिलीग्राम, अब किलोग्राम को ग्राम में अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 10^3,
और 1 ग्राम कितना मिलीग्राम होगा, 10^3। तो 10^3 × 10^3 आंसर आपको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन मैंने बताया हुआ था, आप इसको क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए आपको ईजिली मिल जाएगा। वॉट काइंड ऑफ मोशन डज द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक हैव, ये भी मैंने आपको बताया था कि जो एक बार बार मोशन रिपीट हो फिक्स टाइम में उसको क्या कहते हैं। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई टू बैंगलोर इज मेजर्ड इन यार्ड, मतलब आपको पता है ये यार्ड हो गया, डेसीमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सारे छोटे यूनिट्स पड़ जाएंगे क्योंकि मुंबई टू बैंगलोर जो है वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो हम उसको किस में मेजर करेंगे। आई थिंक सो आपको आंसर पता भी चल गया होगा, इतना तो हिंट दे ही दिया था मैंने। ठीक, द मोशन ऑफ द स्विंग इज नॉट, स्विंग का मोशन जो है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है, एक ही दिख रहा है जो कि इजीली आप बता सकते हैं। ठीक, एरिया ऑफ अ फील्ड इज एक्सप्रेस्ड इन, एरिया को यूनिट कौन सा दिया जाता है। एरिया मतलब क्या होगा कि जो भी उसकी लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, या फिर स्क्वायर होगा तो साइड स्क्वायर हो गया, साइड इंटू साइड, है ना। तो मीटर इंटू मीटर जब होता है तो वो मीटर का पावर 2 मीटर स्क्वायर होता है, स्क्वायर मीटर कह लो या मीटर स्क्वायर कह लो। ठीक है, तो अब भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। ठीक, सेंटीमीटर होगा नहीं, मीटर होगा नहीं, क्यूबिक मीटर आप वॉल्यूम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज मेजर्ड इन, पेरीमीटर है, पेरीमीटर किलोग्राम वेट के लिए, स्क्वायर मीटर पता है एरिया के लिए, माइक्रोमीटर बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, एक ही आंसर बचा है। डैश इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो लेंथ के लिए नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था हैंड स्पैन, यार्ड और फुट स्टेप, तो एक ही ऑप्शन बचा है। व्हाट सिंबल इज यूज्ड फॉर द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट का क्या है टेम्परेचर का, मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द 24 आवर फॉर्मेट, 2:35 PM इज एक्सप्रेस्ड एज, 24 आवर में चेंज कर दीजिए। व्हेन देयर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी स्टेशनरी। ठीक, डैश मेजर्स द टाइम इंटरवल, ईजी है। अब काइट फ्लाइंग, ये सारे चैप्टर में से आए हैं आपके क्वेश्चंस, कहीं बाहर से नहीं है। ओके, इसलिए मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया, और जो क्वेश्चंस जो अगर इसमें जो नोट्स में मिसिंग हो जाते हैं इसमें पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, अ काइट फ्लाइंग इन द स्काई परफॉर्म्स डैश मोशन, ये भी ईजी है, कोई फिक्स मोशन नहीं रहता है, तो आप समझ गए होंगे। द ऑप्शन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन डैश इफ़ इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, ये मैंने आपको पूरी डेफिनेशन ही बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, चलिए ये आपका मोशन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, मैं 11th चैप्टर स्टार्ट करूँगा, और आपको कुछ नहीं करना है, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं एक बार इसको गो थ्रू करिए, एक बार बुक की रीडिंग करिए, और जो मैं आपको बुक मिलती है वर्कबुक का तो वो तो डिस्कस करा ही दूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।